नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हो स्वराज का 969 FE चल रहा है आपके सामने, फोर व्हील ड्राइव है और KS के जो रीपर है ना, KS का, उसके ऊपर चल रहा है। अब किसान भाई से भी जानेंगे इसके बारे में कि कैसा परफॉर्मेंस किसान भाई को इसका लग रहा है, काम कैसा लग रहा है, प्लस डीजल खपत कैसी कर रहा है, जो कि आज के टाइम में मेन एक निकल करके पॉइंट आ जाता है डीजल खपत, क्योंकि डीजल 100 के समथिंग पहुंच चुका। तो डीजल खपत के बारे में भी किसान भाई से जानेंगे और काम के बारे में भी किसान भाई से सारा कुछ जानेंगे, और ये भी जानेंगे साथ साथ कि इसके पहले भी कोई ट्रैक्टर चलाते थे या पहला ये 969 ही खरीदता है। ठीक है, सारा कुछ आज की वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। मैं सबसे पहले आपका परिचय किसान भाई के साथ कराऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सभी भाइयों को जी। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके नए ट्रैक्टर के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। मैं अविनेश सोलंकी, गांव चचोई, जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद जी, स्टेट अपना यूपी। हाँ यूपी। तो अविनेश भाई, ट्रैक्टर को खरीदे हुए समय कितना हो गया? ये हमने 24 फरवरी को खरीदा जी। 24 फरवरी को? हाँ, 2023। इसके पहले भी अपने पास कोई ट्रैक्टर था? जी, मेरे पास था 3630 स्पेशल एडिशन न्यू हॉलैंड का जी। उसके पहले भी कोई चलाते थे? उसके पहले था जी 963 स्वराज का। 963 स्वराज का। भाइयों, मुझे जानकारी है, पिछली वीडियो शूट भी करी थी, वो किसी कारण बस आप लोग नहीं देख पाए, फाइल करप्ट होने के कारण बस। तो मुझे सारी चीज़ें बताया, जान किसान भाई से इसलिए रहा हूँ ताकि जो किसान भाई मेरे नए हैं, नहीं जानते हैं, उनको पता चल जाए। ठीक है, पहले न्यू हॉलैंड इसके चला चुके हैं और 963 भी चला चुके हैं। ठीक है, उसके पहले भी कोई ट्रैक्टर था? हाँ, भाई सोनालिका 60 कई चलाएं। सोनालिका 60 कई चलाएं? कई चलाएं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जैसे इसके पहले आपने 963 चलाया, 963 सेकंड हैंड खरीदा था, नया ही खरीदा? सेकंड हैंड खरीदा था। सेकंड हैंड खरीदा था, कौन सा मॉडल था वो? वो 2020 था। 2020 था। वो लगभग कितने कितने कितना चला होगा अपने पास? वो अपने पास में मैंने 6 महीने चलाया बस। 6 महीने चलाया? 6 महीने चलाया। 6 महीने चला करके बेच दिया। फिर न्यू हॉलैंड में क्यों गए आप? ऐसे मेरा तो ऐसा है, मैं ट्रैक्टर बदलता रहता हूँ, मैं नई नई ट्रैक्टर का शौक है मुझे जी। माने शौक के पर्पस से आपने 63 लिया, फिर उसके बाद न्यू हॉलैंड लिया? जी जी जी। फिर न्यू हॉलैंड के बाद में आप देख रहे हो आपका 969 ये जी। तो इसका विचार क्यों बनाया फिर 969 का? ऐसा विचार इसका 969 का इसलिए बना कि अभी ये पूरी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में 969 4x4 ट्रैक्टर नहीं है दूसरा किसी के पास भी नहीं। किसी के पास नहीं। मैं ये कह दूं कि बुलंदशहर में पहला ट्रैक्टर अपने पास है, अपने अविनेश भाई के पास है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। जी जी जी। अविनेश भाई, अब ट्रैक्टर के बारे में पहले तो ये बता दो, जैसा आपने 23 में ही खरीदा है जी, ऑन रोड कितनी कीमत का आपको पड़ा है? ऑन रोड कैश में जी 10,60,000 का खरीदा मैंने। 10,60 का आपको ऑन रोड पड़ा? हाँ, कैश में। ठीक है, अब जैसे आपने रीपर पे अभी चल रहा है, रीपर के अलावा भी किसी यंत्र पे देखा है चलाया? हाँ, रूटर पे भी चलाया। रूटर पे भी चलाया? रूटर कितने फीट का चलाया? 8 फीट का है। 8 फीट का है। तो रूटावेटर के ऊपर डीजल खपत कैसी करी लगभग ट्रैक्टर ने? 5 लीटर बीघे के करीब खाया हमारे यहाँ, 5 बीघे का बीघा है। 5 बीघे का बीघा है, 5 लीटर के करीब खाया जी। काम कैसा था ट्रैक्टर? काम तो बहुत ही बढ़िया, सुपर है काम तो। काम सुपर है। अच्छा, जैसे लीवर छोड़ के, फुल लीवर छोड़ के चलाता हूँ मैं, कोई भी ट्रैक्टर सही दोनों लीवर गिरा के चलाऊँ? दोनों लीवर गिरा के चलाते हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ जैसे कहीं पर गीला कहीं पर सूखा जाता है तो ट्रैक्टर घुटने लगता ना, है? ना, कोई ना। इसके साथ आवाज थोड़ी कड़क हो जाए, आरपीएम एक भी ड्रॉप ना करें। आरपीएम ड्रॉप नहीं ना, आवाज कड़क हो जाए बस। जी 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 जी। तो जैसा रूटावेटर के ऊपर आपने चलाया, लगभग आपने अनुमान कुछ लिया हो कितने लीटर डीजल खाया इसने घंटे के अंदर? घंटे का ना लगाते हैं हम तो, बीए का ही लगाते हैं। बीए का लगाते हैं। ठीक ठीक। अब जैसे रीपर के ऊपर चल रहा है तो इसके ऊपर भी कुछ अनुमान मेरे किसान भाइयों को बताओ, कितने लीटर खा रहे होगा इसकी? जब तक सर्विस नहीं हुई थी तब तक इसने 11 ट्रॉली बनाई हमने शुरू में, उस पर 7 लीटर खाया पर ट्रॉली का।
पर ट्रोली का 7 लीटर का औसत आपने निकाला है। हाँ, उसके बाद में जो सर्विस हो गई तो फिर 6 लीटर पे आ गया, 5 पे आ गया। अब जो फिलहाल में चल रहा है वो 4.4 लीटर पे चल रहा है। अच्छा, 4 लीटर 4.5 लीटर खा रहा मात्र? हाँ मात्र, जबकि ट्रैक्टर जो है वो 65-70 हॉर्स पावर की कैटेगरी का है। और एक ही सर्विस हुई है, अब दूसरी सर्विस 2-4 दिन में होने वाली है। अच्छा, अभी एक ही सर्विस, एक ही सर्विस। लगभग कितने घंटे चल गया होगा ये? लगभग अब चल गया होगा 250 घंटे के करीब। 250 घंटे के करीब चल गया, मतलब काम संतुष्टि भरा है। हाँ, हाँ। प्लस डीजल खपत भी है, हाँ, किसान के हिसाब से ठीक है, बहुत ही बेहतरीन डीजल खपत है जी, बहुत ही कम खर्चा है इसका। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे अपने पास में 969 है, अपने पूरे क्षेत्र में भी नहीं है किसी के पास में, एक फील कैसा आता है अंदर से, मतलब एक प्राउड वाला फील कैसा रहता है? काफी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि और पास से भी देखने के लिए आ रहे हैं लोग देखने के लिए आते हैं। तो भाई 969 4x4 चचोई गांव में आया है। जी जी जी। हाँ। जैसे डीलर साहब भी बताते होंगे कि उनके पास है, वहां आप चले जाओ। बाकी और कुछ मेरे किसान भाइयों को आप बताना चाहते हो ट्रैक्टर के बारे में, अपना अनुभव और बताओ थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में, कि मतलब क्या कुछ लगा? जैसे पहले न्यूलैंड भी आपने चलाया, 963 भी चलाया, उसके पहले भी बहुत ट्रैक्टर चलाए। देखो HP का तो अंतर है, वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा क्या कुछ आपको लगा ट्रैक्टर के ऊपर बैठने के बाद, महसूस कैसा हुआ? इसमें बैठने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि कोई राजा महाराजा किसी अपने मतलब सिंहासन पे बैठ जाता है, ऐसा महसूस होता है। सिंहासन पे बैठ जाता है, माने कुछ भी कोई भी यंत्र पीछे डाल दो ट्रैक्टर रुकता नहीं है। नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म इसका फ्लैट है, इस वजह से बहुत ही बेहतरीन महसूस होता है, मतलब एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर कोई मेरा किसान भाई आज के टाइम में नया ट्रैक्टर लेने का विचार कर रहा है, आपने कई ट्रैक्टर बदले हैं है ना, तो क्या वो स्वराज की तरफ जा सकता है या किसी और कंपनी की तरफ? बिल्कुल जा सकता है जी, खूब जा सकता है स्वराज की तरफ, बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर है जी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तो एक ही सर्विस हुई है, और अच्छा एवरेज आएगा इसका, और अच्छा एवरेज आएगा। मैंने अब अभी तक पहली ही सर्विस हुई है, पहली हुई है, और तब मात्र 4-4.5 लीटर के आसपास। हाँ, हाँ, हाँ। तो अच्छा, खूबियां तो आपने बता दी, कंपनी बताती है खूबियां, मैं आपसे कमी और जानूंगा, कमी क्या लगी ट्रैक्टर? कमी इसमें क्या, जो भी ट्रैक्टर ड्राई फिल्टर आ रहे हैं, सूखे फिल्टर, एयर फिल्टर जो है जी, वो सारे गलत आ रहे हैं, उस पे जो किसान पे काफी खर्च बैठता है जी, वो थोड़ी धूल मिट्टी के कारण ही चौक हो जाते हैं जी, तो 1700-1800 रुपए के आते हैं वो दोनों फिल्टर जी। तो ये खर्चा कंपनी जो है मतलब किसान के ऊपर जबरदस्ती थोप रही है थोड़ा। इसमें जो पहले ऑयल वाला आता था वो ही ठीक है, अपना ऑयल बदलो, यही 100-150 रुपए में काम हो जाता था, काम चालू हुआ। हाँ, तो इसकी वजह से थोड़ा खर्चा फालतू बैठता, तो मैं कंपनी से एक चीज मैं ये कह दूं कि जैसे ड्राई फिल्टर डाला है, अगर इसको और ज्यादा कंपनी अपडेट करे, कुछ नया लेकर आए, या फिर पहले वाला ऑयल वाला दे दे, आप जैसा बता रहे हो ऑयल वाला ज्यादा बेस्ट है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कंपनी के लिए। जी 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 जी। बाकी और कुछ कमी ट्रैक्टर की? नहीं, और तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, नहीं। अच्छा, न्यूलैंड जैसे आपने इसके पहले चलाया, न्यूलैंड की इसकी अगर मैं फीचर वाइज तुलना करने की कोशिश करूं, देखो HP में तो बहुत ज्यादा अंतर है, HP में भी ज्यादा है और फीचर में भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, फीचर उसके ज्यादा लगे या इसके ज्यादा? इसमें ज्यादा है, इसके ज्यादा लगे। बाकी और कुछ आप मेरे किसान भाइयों को आज के टाइम में कुछ बताना चाहते हो ट्रैक्टर के बारे में? देखो काफी लंबा अनुभव है ना, जब कोई किसान भाई मेरा नया ट्रैक्टर लेने का विचार करता है तो बहुत चीजें सोचता है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहूंगा कि वो किन चीजों का ध्यान दे, क्या कुछ देख करके वो ट्रैक्टर खरीदे आज के टाइम में? देखो पहले तो ज्यादातर अब PTO का ही जो काम ज्यादा है जी, तो सबसे पहले PTO HP देखनी चाहिए, कितने ट्रैक्टर में कितने PTO HP है जी, उसी के हिसाब से ट्रैक्टर जो लेना चाहिए। माने किस टाइप का किसान को कृषि यंत्र चलाना है उसी हिसाब से देख करके? हाँ, हाँ, किस तरीका इम्प्लीमेंट चलाते हैं उसी तरीका के हिसाब से अपने ट्रैक्टर के उसके बारे में जानकारी करें जी, तब ट्रैक्टर लें। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, हमारे साथ अभिनेश भाई जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। और आप ट्रैक्टर देख लो, आपके सामने ही चलने लग रहा है, 969 FP है। किसान भाई ने सारा कुछ बता दिया कि कब खरीदा, किस कीमत के अंदर खरीदा, वो ट्रैक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके का है, ठीक है, और आपने वीडियो में देख भी लिया किस तरीके का है। अब मैं आपको कुछ और 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे अभिनेश भाई ने ये 969 FP खरीदा है ना, कॉस्टली ट्रैक्टर है, HP भी ज़्यादा है ना, तो ये नहीं है कि आपने देखा भी 969 बढ़िया ट्रैक्टर है मैं भी खरीद लेता हूँ। भाई वो काम के हिसाब से खरीदें, आपका अगर काम है उस लेवल का, आपका काम है उस लेवल का कि आपको 65 या 70 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तब आप इसकी तरफ जाएं, वरना इसकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाइयों ट्रैक्टर के अंदर पैसे जो है ना लाखों में गिरते हैं, कोई 1-2 रुपए या 10-20 हज़ार की चीज़ नहीं होती। तो बड़ा सोच समझ करके डिसीजन लें, देख करके किसी को डिसीजन ना लें कि भाई अभिनेश भाई चला रहे हैं 969,
डिस्ट्रिक्ट में पहला है और मुझे भी डिस्ट्रिक्ट में पहला ही लेना है ना, तो ये मैं वाली बात ना करें। उन्होंने खरीदा है क्योंकि उनका काम है उस लेवल का, ठीक है, काम के साथ साथ शौक भी है, अपनी खेती भी है, प्लस किराए भाड़े का काम भी उस लेवल का है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि अपना ना थोड़ा सा काम देख करके ट्रैक्टर आप खरीदें, केवल शौक के लिए अगर आप खरीद रहे हो ना तो बिल्कुल मत खरीदें, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं नए ट्रैक्टर को खरीदते टाइम। और अगर आपने ज़्यादा एचपी का ट्रैक्टर ले लिया, डीजल ज़्यादा खाएगा, आपके पास कृषि यंत्र उस लेवल के नहीं है, तो आपकी जेब पर भी एक तरीके से वो भारी पड़ेगा। खरीदना तो आपको भारी पड़ेगा ही, उसके बाद में जेब पर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि आप उसका एक तरीके से, मैं अगर बात करूँ ना, खर्चा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि डीजल खपत ज़्यादा करेगा, आपके पास यंत्र उस लेवल के नहीं है। तो ये चीज़ें हैं भाइयों। तो भाइयों वीडियो को ना यहीं समाप्त मैं कर लेता हूँ। उम्मीद करूँगा आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो ना लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना, और मेरे उन किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को पहुँचा देना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, जो स्वराज चला रहे हैं या स्वराज लेना चाहते हैं या किसी भी कंपनी का नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उनको अपना डिसीजन लेने में नया ट्रैक्टर खरीदते टाइम कुछ हेल्प मिले, ठीक है। मकसद हमेशा यही रहता है कि आपको कुछ नया, कुछ हटके मैं दिखाऊँ, ताकि आपको उससे कुछ जितना कुछ हेल्प मिले, आप अपना डिसीजन जो है अच्छे से ले पाएँ, ठीक है। बाकी ट्रैक्टर का काम आप लोगों ने देख लिया, किसान भाई के साथ मैंने आपका परिचय करा दिया, क्या कुछ है, किस तरीके से है, इसके पहले कितने ट्रैक्टर चलाए हैं, सारा कुछ आप लोगों ने वीडियो में जान लिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है और आपको कोई पैसा खर्च नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लो। ऐसा ही कॉन्टेंट ऑन द वे है, आपको लगातार वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।